मध्य प्रदेश में होने वाले 24 सीटों के उपचुनावों पर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। 24 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति के बाद बीजेपी ने संचालन समिति और प्रबंध समिति की घोषणा की है। संचालन समिति में पार्टी के 22 नेताओं को रखा गया है और प्रबंध समिति में प्रदेश के 18 नेता। अब इन सबके बीच बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचालन समिति में जगह मिली है। गौर हो, भाजपाई हो जाने के बाद पहली बार सिंधिया को किसी सांगठनिक समिति में शामिल किया गया है। अब इन सबके बीच में जिस समिति में सिंधिया को जगह मिली है उसमें उनके साथ 22 लोग शामिल हैं, सभी बीजेपी के शानदार नेता हैं। सिंधिया इस सूची में छठे नंबर पर हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को रखा गया है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में सिंधिया का पद कैलाश विजयवर्गीय से नीचे है? बीजेपी ने संचालन समिति की सूची जारी कर दी। पहले नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा हैं, दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तीसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, चौथे नंबर पर नरेंद्र सिंह तोमर, पांचवें नंबर पर कैलाश विजयवर्गीय और छठे नंबर पर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस इस संचालन समिति की सूची पर तंज कसते हुए ट्विटर हैंडल के जरिए लिखती है, अपमान करना बीजेपी की आदत, सहन करना सिंधिया जी की ज़रूरत। बीजेपी की चुनाव समिति में सिंधिया जी को छठे नंबर पर जगह मिली है। कहाँ तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के बगल में स्थान और कहाँ प्रदेश स्तर पर भी इतने निचले क्रम में जगह। आखिर इतना सम्मान हजम कैसे हो रहा है? पूर्व मंत्री दीपक जोशी को भी संचालन समिति में जगह मिली है। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैलाश विजयवर्गीय से इस सूची में नीचे का स्थान दिया गया है। इस पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है और कह रही है कि सिंधिया की सारी उम्मीदें सारी आकांक्षाएं धरी की धरी रह जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी में जाना राजनीतिक लिहाज से ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे बड़ी गलती आगे आने वाले वक्त में साबित हो जाएगी। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।